हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं आपके लिए प्यारी सी एक छोटी सी स्टोरी लेकर के आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। एक हस्बैंड वाइफ थे, तो दोनों में पटता नहीं था। जो औरत थी वो बहुत टेढ़ी थी, वो हमेशा अपने हस्बैंड से लड़ती रहती थी। हस्बैंड बेचारा बहुत सीधा साधा था, किसी तरीके से उसको बस वो शादी को निभा रहा था, मैनेज कर रहा था किसी तरीके से। लेकिन औरत की आदत सुधरती ही नहीं थी, वो बहुत परेशान हो गया। किसी तरह सोचता था कि इसको सुधार दूँ, लेकिन वो सुधरती ही नहीं थी। फिर उसने सोचा मैं कोई ऐसा उपाय निकालूं कि ताकि इसके साथ जीवन यापन हो सके, क्योंकि इतनी कर्कश थी वो कि उसके साथ रहना भी मुश्किल था। फिर उसने एक उपाय निकाला। वो जो भी कहता था उसका वो उल्टा ही करती थी। यदि वो कहता खाना बनाओ वो नहीं बनाती थी, यदि वो कहता बिस्तर बिछाओ तो वो नहीं बिछाती थी, जो भी वो कहता वो नहीं करती थी, उसका अपोजिट ही करती थी। तो उसने क्या किया कि उसने उल्टा कहना शुरू किया। जैसे उसकी मम्मी थी, मम्मी पापा थे, सास ससुर औरत की, वो कहता था कि आज खाना मत बनाना, मम्मी को भूखे रखना। कहती क्यों, मम्मी को भूखे नहीं रहना है, खाना जरूर बनेगा। मम्मी अब तुम्हारा उसके लिए साड़ी लाता, तो कहता मम्मी के लिए तो मैं कभी नहीं लाऊंगा। कहती नहीं क्यों, मम्मी के लिए जरूर साड़ी आएगी। इस प्रकार से वो मतलब उल्टा बोल बोल करके उससे काम करवाता था और ऐसे ही अपने दिन काट रहा था। बेचारे को सुकून था कि चलो किसी तरह तो इसके साथ गुजारा हो रहा है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, उसकी माँ भी बूढ़ी हो गई, उल्टा बोल बोल करके उसने सेवा भी करवा लिया और सारे काम अपने निपटा लिए। माँ जो है मर गई। फिर दोनों अकेले रहने लगे। एक दिन उन्हें तीर्थ यात्रा करने की सोची। उसने कहा कि तीर्थ यात्रा हम कभी नहीं करेंगे। और बोली नहीं क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम कल ही चलेंगे तीर्थ यात्रा के लिए, गंगा स्नान के लिए। दोनों तैयार हो गए और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। फिर गंगा नदी में नहाने की बारी आई। हस्बैंड जो था वो नहा के निकल गया, अब औरत घुसी नहाने के लिए। जैसे ही वो गंगा नदी में नहाने के लिए घुसी, प्रणाम किया, तेज लहर आई और वो बहने लगी, चिल्लाने लगी। अब आदमी बौखला गया, क्या करे, वो भी परेशान हो गया। उसने धीरे से अपने मतलब वो चिल्लाया, मेरा हाथ पकड़ो, और हाथ बढ़ाने लगा, हाथ दो। लेकिन वो तो उल्टा ही समझती थी। उसने कहा क्यों दूँ हाथ, और वो आदमी का दिमाग नहीं काम किया कि इसे मैं उल्टा बोलूँ, क्योंकि वो बहुत अधिक परेशान था। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो चिल्लाता रह गया हाथ दो, लेकिन उसने हाथ नहीं दिया और वो डूब करके मर गई। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अहंकार को त्याग करके हमें जो वास्तविकता है उसे पहचानना चाहिए। हमेशा अहम में ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अहम में जो इंसान रहता है वो निश्चित ही डूबता है जिंदगी में भी, और हर परिस्थिति में, किसी परिस्थिति में वो मैनेज नहीं कर पाता। इसलिए अहंकार को त्याग कर सरलता और सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कुछ ऐसा कमाल कर जाओ कि आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बन जाओ। थैंक यू।